अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह गाइज हम लोग एकदम अच्छे हैं। और गाइज आज मक्का में हम लोग का सेकेंड डे है और आज दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह से। कल मतलब बहुत अच्छे से उमरा हो गया, मगर थोड़ा सा परेशानी है बट हो गया। और बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा ही पड़ता है इसीलिए। और फिर भी गाइज अब थोड़ा सा रिलैक्स, अच्छे से आराम किए तो रिलैक्स थोड़ा सा लग रहा है। और अभी जो है सोहेब यहाँ नहाने के लिए और उनका कपड़ा मुझे निकालना है क्योंकि फिर हम लोग नहावा के थोड़ा सा तैयार वैयार हो करके तब फिर मतलब नाश्ता उश्ता करके तब फिर मक्का की तरफ जाएंगे। और क्या हुआ, क्या हुआ? गाइस अभी मैं जुबैर का कपड़ा निकाल देती हूँ, कुर्ता पैजामा और सारा सामान, मुझे समेटना भी सारा भी। और फिलहाल बोले हैं जब तक के सारा सामान को समेट लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैल गया है, पूरा पूरा फैला हुआ है। और फिर क्या कहते हैं वहाँ चल मक्का चले जाएंगे तो फिर आने में वहाँ से भी टाइम लगेगा। और चार नहीं खाओ ना मनु, 4 बजे तक यहाँ से निकलना भी है तो इसीलिए। और फिलहाल मुझे अभी जाना है, नहाना भी है, सुबह को ही नहलाना है तो फटाफट पहले कर करके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। और गाइस जुबैर का सारा कपड़ा रखा रह गया बट कोई बात नहीं, इसमें से कुर्ता पैजामा मन्नू का निकाल देती हूँ। कुर्ता पैजामा ये शो ना एमो ना। अच्छा किस चीज के साथ रोटी है? चिकन करी। अंडा नहीं है? नहीं अंडा कोफ्ता नहीं, उसमें अंडा नहीं डाल सकता है। जब अंडा बनाए हुए नहीं क्या बेचारा दुरेला स्पेशली अंडा डाल दियो। नाश्ता आ गया और हम भी नहा लिए हैं, जुबैर को भी नहला दी हूँ और फटाफट खाते हैं उसके बाद निकलते हैं मक्का की तरफ। और गाइस अभी नाश्ता कर ली हूँ और मेरे लिए जो है चाय आया है अभी ये गिलास में हम लोग चाय पी रहे क्योंकि कप लेना ही भूल गया ना। क्यों चाय की जो है क्या ओहे इंजॉय। और पीछे इधर पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा व्यू है। मोबाइल में पता नहीं चल पा रहा बट पीछे वो पहाड़ है और मन्नू नीचे मोबाइल देख रहा है। और गाइज मैं अपना होटल दिखला दूँ, यही होटल में हम लोग स्टे किए थे। और गाइस पूरा पहाड़ है चारों तरफ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ और अभी अपनी गाड़ी नहीं ले जाएंगे, टैक्सी पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ के बारे में जो है भी उतना पता नहीं है इसीलिए हम लोग टैक्सी से ही जाएंगे। बाप रे कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ा। बाहर में ही नमाज पढ़ना पड़ेगा, यहीं पर है। चलना अंदर से। धूप बहुत कड़ी है। क्या करने हैं यार? बस सब लोग बाहर में ही नमाज पढ़े। सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अंदर भर गया तब। हाँ हम तो अंदर भर गया होगा, कुछ लोग तो है। तभी हम लोग अंदर की साइड जा रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मेरे धूप में आँख भी नहीं खुल रहा, प्लस बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। अंदर थोड़ा सा एसी रहेगा ना, एसी में सही रहेगा। चलो
अभी हम लोग हरम शरीफ के फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ पे तहरीम नमाज़ पढ़ रही है ज़ोर की, और ग्राउंड फ्लोर भी इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ जो एहराम जो लोग बांधे हुए हैं सिर्फ उनको अलाउ है, सिर्फ उमरा के लिए खुला हुआ है ग्राउंड फ्लोर, तो बाकी लोग फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ऐसे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ज़ोर की नमाज़ यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग नमाज़ पढ़ ली, अभी नमाज़ पढ़ ली और हम भी नमाज़ पढ़ ली हैं और ज़ुबैर फ़िलहाल मोबाइल में लगा हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, इसको पता नहीं ज़्यादा रश दिखता ना तो मन इसका ये हो जाता है, इसीलिए नमाज़ पढ़ ली है अल्लाह शुक्र है। और फिर अभी दिखलाते आप लोगों को कावा दिखला देते हैं। जो है वहाँ पे दोनों बाप बेटा बैठे हुए तहरीम को दोस्त मिल गए, दोपहर दोपहर किसी और की गोदी में जाके बैठ गया। और गाइस मुझे एक फैमिली मिली थी जो कि ज़ुबैर उसके पास जा कर के बैठ गया था और एकदम गोदी में जा कर के बैठ गया था, उसको एक ज़रा सा डर भी नहीं हो रहा था और सच मुझ में इतनी अच्छी फैमिली थी। बट हम लोग का लैंग्वेज का ये था, वो अरबी में बोल रही थी, मैं मुझे अरबी आता नहीं था इसीलिए हम लोग अच्छे से मिले। वहाँ पे हम लोग नमाज वमाज़ पढ़ ली और बहुत देर तक बैठे और ज़ुबैर के न्यू फ्रेंड को भी देख ही लिए होंगे और मुझे इंग्लिश आता ही नहीं इसीलिए मैं किसी से दोस्ती कर ही नहीं पाती हूँ, चाह करके भी नहीं कर पाती तो उसको भी नहीं आता होगा, उसको भी अरबी आ रहा। थोड़ा बहुत गैस फिलहाल नमाज वमाज़ हो गया और अब हम लोग जा रहे थोड़ा सा यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोगों को भी करवाती हूँ मक्का का मार्केट। कहाँ मार्केट में है? तो गाइस यहाँ से हम लोग दाना लेंगे और उसके बाद हम लोग खिलाएंगे। खिलाओ खिलाओ आप खिलाइए। उसमें ले लिया अभी तो गाइस यहीं से जो है ना मार्केट एकदम स्टार्ट होता है। ज़ुबैर के लिए देखिए हाँ अच्छा लग रहा है, देखो प्लीज ज़ुबैर इधर कम दूसरा नहीं है, ये ले 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 जाओ, ये नहीं अच्छा लग रहा। हाँ तस्वीर ले लेती हूँ अम्मी लोग के लिए। कितने का ये भैया? 3000 अलग अलग डिजाइन ले ना, सब एक ही टाइप ले गया, आगे भी है देखिए आगे भी अच्छा। माँ का उधर शॉपिंग चल रहा है, बेटा का इधर चल रहा है, ये लो। क्या चल रहा है तुम्हारी उसमें क्यों रख रहे हो रे लो ना जो गिव मी ये ले लिया ले आपके लिए गिफ्ट। क्या है ये? छाने से ही अजीब लग रहा है। क्या है ये? अरे कछुआ। क्या बोलते हो? ज़ुबैर ऐसे को क्या बोलते हैं आप लोग? क्या मेरे यहाँ कड़ो कड़ो क्या बोलते उसको और जो होता है कड़ो 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 कड़ाई कड़ो कड़ाई डोका है भैया।
ये घर में लगाने के लिए ले लूं, चौड़ा वाला ले दूं। तो गाइस ये जितना भी सारा जो लगा हुआ सारा 3-3 रियाल का है सारा ना। ये सब गले समय का पहनने वाला जो मुझे पहनने पसंद है। कितने का है? 70 रियाल। क्या बात कर रहे हैं, एक घड़ी है, एक काबा है, आओ पहले भी लेके गया है। और गाइस यहाँ पे ज़ोएब जो अतर ले रहे हैं और अच्छा तो गाइस पूरा यही मार्केट है। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा बैठेंगे, रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि पूरी जगह घूम घूम के थोड़ा सा थक गई हूँ। और वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। और गाइस मेरा यहाँ पे जो है कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी आ गया, मेरा जूस आ गया, पीते हैं। खाना हम लोग घर से खा के निकले थे इसलिए अभी चाय, जूस, इसका चॉकलेट। अभी हम लोग सफवा टावर, जो क्लॉक टावर है उसके नीचे सफवा टावर है, तो उसी में नीचे मार्केट है और ये सेकंड या थर्ड फ्लोर है, इस पर सारा रेस्टोरेंट सब, पूरे फ्लोर पे खाली रेस्टोरेंट है। अभी हम जा रहे हैं घर और सारी शॉपिंग, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, थोड़ा बहुत